क्वेश्चन, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ ट्रांसपेरेंट सिलेंड्रिकल रॉड इज 2/3, सो ये 2/√3 दिया हुआ है। एज शोन इन द फिगर द रे इज इंसिडेंट एट द मिड पॉइंट ऑफ वन ऑफ इट्स एंड, सो ये इंसिडेंट रे। फॉर विच एंगल ऑफ इंसिडेंस द रे बिकम्स पैरेलल टू द लेंथ ऑफ द रॉड, तो ये पैरेलल हो जाना चाहिए, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है। सो यहाँ पे रे पैरेलल कब होती है, जब ये एंगल जो है ये ग्रेजिंग एंगल, मतलब यहाँ पे TIR होने वाला है। अगर इधर TIR होने वाला है तो ये जो एंगल है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज कॉल्ड द क्रिटिकल एंगल। यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाएगा 90। तो यहाँ पे पहले C फाइंड कर लेते हैं, क्रिटिकल एंगल फाइंड कर लेते हैं। तो TIR में क्रिटिकल एंगल के लिए कंडीशन है साइन सी इक्वल्स टू 1/n, यानी कि साइन सी हो जाएगा √3/2। अभी साइन सी की वैल्यू √3/2 है, तो हम जानते हैं कि तो फिर सी की वैल्यू हो जाएगी साइन इनवर्स ऑफ √3/2। साइन इनवर्स ऑफ √3/2 होता है 60 डिग्री या फिर π/3। तो ये मिल गया 60 डिग्री। अगर ये 60 डिग्री है, अगर क्रिटिकल एंगल 60 डिग्री है, ये परपेंडिकुलर है, तो ये हो गया 30 डिग्री। 30 डिग्री यानी कि π/6। इस पॉइंट पे अभी लगा लेते हैं स्नेल्स लॉ। तो स्नेल्स लॉ लगाएं, तो स्नेल्स लॉ क्या बोलता है, तो स्नेल्स लॉ बोलता है N1 यानी कि एयर साइन I इक्वल्स टू N2 साइन R। तो एयर साइन I इक्वल्स टू N2 यानी कि 2/√3 साइन R यानी कि साइन 30। तो ये हो गया साइन I इक्वल्स टू 2:√3 साइन 30 होता है हाफ, तो ये बचा 1:√3। सो साइन आई मिल गया हमको 1/√3, तो आई की वैल्यू मिल गई साइन इनवर्स ऑफ 1/√3। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो पहले हमने प्रोसीजर में क्या किया, क्योंकि ये लाइट रे पैरेलल टू द सरफेस हो चुके हैं, इसका मतलब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है क्रिटिकल एंगल। तो यहाँ पे क्रिटिकल एंगल की साइन सी इक्वल्स टू 1/n, सो ये क्रिटिकल एंगल मिल जाएगा ये फॉर्मूला से। और ये राइट एंगल ट्रायंगल में सी मिल गया, तो ये 90 माइनस सी करके एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मिल जाएगा। इस पॉइंट के लिए स्नेल्स लॉ लगा लेंगे, तो स्नेल्स लॉ में से आई मिल जाएगा। सो साइन इनवर्स 1/√3 मिला, यानी कि ए करेक्ट ऑप्शन है। ओके okay?